मेरा नाम सुरेंद्र जांगड़ा जी, जिला सचिव अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जी। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली विभाग के सामने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जी एक SDO है जो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता, वो उसने हमारे कर्मचारियों के ऑर्डर सब स्टेशन से उठाकर फील्ड में कर दिए गए हैं, जबकि वो सब स्टेशन के ही कर्मचारी है। अब जब उनको ये ही नहीं पता कि वो फील्ड में काम क्या होता है, तो वो किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं और उस हादसे के कारण मतलब जान जोखिम का खतरा रहता है। हम ये चाहते थे कि वो जो भी हमारे स्टाफ के मेंबर हैं उनको वापस किसी भी पावर हाउस पे एडजस्ट किया जाए, लेकिन जो SDO है वो अपनी हठधर्मी पे अड़ा हुआ है और किसी को सुनने को तैयार नहीं है। जब उस अधिकारी से बात हुई तो हमारे पास एक चीफ ऑफिस की और हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ के आदेश है कि किसी भी स्टेशन पर 5 कर्मचारी होते हैं, लेकिन ये SDO सभी आदेशों को नकारते हुए बोलता है कि सिर्फ 3 कर्मचारी ही एक स्टेशन पर कार्यरत रहेंगे, जबकि 5 होने चाहिए। ये सिर्फ किसी के बहकावे में या दूसरों के मतलब कहने से सिर्फ ये चाहता है कि मैं इस संगठन को परेशान करूं। कच्चे कर्मचारी हैं इस संगठन में, केवल और केवल कच्चे कर्मचारी हैं। ये कच्चे कर्मचारियों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है। उसी के लिए जब हम वहाँ पे गेट मीटिंग हुई, अब ये SCO ऑफिस में हमारी गेट मीटिंग चली हुई है, SCO ऑफिस में आए, SC साहब ने कहा कि जी हाँ ये फील्ड के कर्मचारी हैं। उसी के वेज में हमने हमारे जो साथी थे उनकी पावर हाउस में जो अटेंडेंस थी कि ये पावर हाउस के कर्मचारी हैं, वो SC साहब को दिए हैं, लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। मैं आप लोगों आप साथियों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ SC साहब को कि या तो हमारे कर्मचारियों के ऑर्डर वहाँ कर दो जहाँ थे वो, ना तो ये आंदोलन और तेज होगा और ये घेराव मतलब SC सदर और चीफ सदर पर भी जा सकता है। क्या नाम है SDO का? SDO का नाम है जी नरेंद्र कुमार जी। बड़े अधिकारी से बातचीत की आपने? जी बात हुई है, SC साहब से भी बात हुई है, एक्शन साहब से भी बात हुई है, लेकिन वो बात को गोल मोड़ घुमा रहे हैं। इनकी मिलीभगत है, ये किसी से मतलब सुलझाने के मूड में ये नहीं है जी। क्या लगता है कि जो SDO है वो अपने चहितों को लगा रहा है या क्या कर रहा है? SDO जी सिर्फ ये चाहता है कि अपने जो रेगुलर कर्मचारी थे जो उसके खास हैं आसपास बैठे रहते हैं उनको शिफ्ट कर रहा है, और हमारे कर्मचारियों को कहता है कि इनको मतलब ताकि कमज़ोर करने के लिए पावर हाउस को कम करो, और उनकी जब पावर हाउस के कम होंगे तो मानसिक दबाव में आएंगे और मानसिक दबाव में वो काम कुछ ना कुछ हादसा होगा तो उनको एलिगेशन लगा के बाहर कर दूंगा। तो आगे के क्या कुछ कार्रवाई करेंगे अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता यहाँ पर? तो नहीं होता तो जी हम चीफ साहब का पंचकुला में घेराव करेंगे। मेरा नाम गुरदीप डुल, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा, जिला कैथल, जिला अध्यक्ष जी। आज यहाँ पर आने की नौबत इसलिए पड़ी है सर, ये बार बार हमें ही कच्चे कर्मचारियों को परेशान करते हैं। हमने इसका निचले स्तर से लेकर आज SC स्तर का जो जिले का एक उच्च अधिकारी होता है उसके पास भी हमारा 2 दिन से गेट मीटिंग लगातार चल रही है। अगर इसके बाद भी ये बाज नहीं आते तो हम इस आंदोलन को आगामी रूपरेखा देंगे, और जैसा भी हमारे उच्च पदाधिकारियों का आदेश होगा इसको। यहाँ पे कितने बजे तक करेंगे आप? यहाँ दो घंटे की होती है, 10 से 12 बजे तक। उसके बाद हम अपनी ड्यूटियों पर चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी किसी से बात हुई आपकी? हमारी SC नहीं, कोई नहीं आया। हमने SC साहब से कल इन्होंने मीटिंग की थी, SC साहब ने भी गोलमोल बात का जवाब देने की कोशिश करी, लेकिन हमने SC साहब को बताया है कि अगर आप इस चीज़ से इन अधिकारियों की साढ़े धर्मिता को दूर नहीं करेंगे तो हमारे पास पूरी सर्कल की लिस्ट है जहाँ पर 7-7 पावर हाउसों में 7-7 कर्मचारी भी बैठे हैं और लाइनमैन भी बैठे हैं, फिर हम उसकी लिस्ट बनाकर चीफ साहब को देंगे, उसका खामियाजा चाहे किसी भी अधिकारी पे गाज गिरे उसकी हमें कोई परवाह नहीं। तो सारे कच्चे कर्मचारी हैं? बिल्कुल, सारे कच्चे कर्मचारी हैं। संगठन है, हम 14 वर्षों से काम कर रहे हैं।